सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपने सुना ही होगा कि आधार कार्ड को हम हर जगह लिंक कर रहे हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे अपनी सिम कार्ड से हो, चाहे पैन कार्ड से हो, मतलब जहाँ भी आप देखो तो आधार कार्ड को लिंक करने की ही बात कही जाती है। और कई बार हमें खुद भी ध्यान नहीं रहता कि हमारा आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर लिंक हो गया है या हमने कहाँ कहाँ लिंक किया है। और आपने बीच में न्यूज़ भी देखी होगी कि कुछ लोगों ने न्यूज़ बताई भी थी कि आधार कार्ड का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आपको ये याद नहीं है कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर लिंक है तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने अपने आधार कार्ड को कहाँ कहाँ पर लिंक किया है और आप जान सकेंगे बहुत ही आसानी से। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र को आप ओपन लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप प्लीज़ ध्यान से देखिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये पता कर लेंगे कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है या लिंक किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और गूगल ब्राउज़र को आप ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अब लिखना है UIDAI, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। और ये लिख के आप सर्च कर दीजिए और पहले नंबर पर देखिए आपको ये इनकी ऑफिशियल साइट एक खुलेगी UIDAI.gov.in। तो आपको पहले नंबर वाला जो ये लिंक आ रहा है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ऑफिशियल जो इनकी साइट का पेज है, देखिए इस तरह से वो पेज खुल जाएगा। अब हमें यहीं पर काम करना है और वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अंदर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है और वो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। अब देखिए ये पेज यहाँ पर लोड हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए तो आपको यहाँ पर एक ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है, ये आधार सर्विसेज, ठीक है दोस्तों। देखिए आधार सर्विसेज ये ऑप्शन है और इसमें ही आप जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। ये देखिए आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, इसका मतलब ये होता है कि आधार को हमने कहाँ कहाँ हमने लागू या जारी कर रखा है या लिंक किया हुआ है, ठीक है। ये आधार सर्विसेज के अंदर देखिए आपको मैं थोड़ा जूम आउट भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आधार सर्विसेज के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का जो ये ऑप्शन है हमें इसके ऊपर ही क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है अब ये हमसे हमारा आधार नंबर पूछेगा और हमारी एक डिटेल मांगी जाएगी। देखिए ये इस तरह का एक पेज खुलेगा। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, सिर्फ हमारा आधार नंबर। देखिए तो यहाँ पर अब हमें हमारा आधार नंबर डालना होगा। तो दोस्तों सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आधार नंबर अपना यूज़ किया था और मेरा आधार नंबर जो है वो ब्लॉक हो गया था क्योंकि कुछ हो सकता है कोई मिसयूज़ कर रहा हो या कोशिश कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर पहले बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल लेना है, 12 डिजिट का जो भी आप आधार नंबर है बिल्कुल ठीक ठीक आप डाल लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे बॉक्स में आपको देखिए सामने जो आपके सिक्योरिटी कोड है ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो भी सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया होगा वो आपको इस सेकंड नंबर के बॉक्स में यहाँ पर लिखना है। जब आप यहाँ पर ये लिख लेंगे तो उसके बाद ये आपको ग्रीन ये हरे रंग का जो बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे जनरेट OTP, तो यहाँ से एक OTP जनरेट होगा, एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पर जो भी नंबर आपने अपने आधार नंबर के साथ रजिस्टर किया हुआ है। तो वो OTP जब आएगा तो वो OTP आपसे डालने के लिए कहा जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक जैसे आप डालेंगे तो यहाँ एक कॉलम आ जाएगा OTP डालने के लिए, तो यहाँ पर आपको वो OTP डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अपना आधार नंबर नहीं डाला है। तो जैसे आप वहाँ OTP डाल देंगे तो आपके आधार नंबर की पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल कि आपने अपना आधार नंबर कहाँ कहाँ यूज़ किया है, कहाँ कहाँ लिंक किया है, क्या क्या उसमें आपने काम किए हैं, सारी पूरी हिस्ट्री आपकी आधार कार्ड की आ जाएगी। जब से आपने आधार कार्ड अपना लिया है सारी हिस्ट्री आपको बता दी जाएगी। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप्स मौजूद होती है, प्लीज़ आप उनका यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल फेक होती है और आपका जो नंबर है उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो ये जो इनकी ऑफिशियल साइट है आप यहीं से अपना आधार नंबर की हिस्ट्री चेक कीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको ये तरीका बताया है।
और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की परेशानी आए या कुछ आपको दिक्कतें हों तो देखिए नीचे एक मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये इनका एक टोल फ्री नंबर है 1947। तो अगर आपको कोई भी परेशानी अगर यहाँ पर आती है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री होता है और इसमें आपको सारी परेशानी जो भी आपकी होगी वो उसका आपको समाधान बता दिया जाएगा और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो कि आप किस तरह से अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री पूरी पता कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।